पाइथागोरस यूज करके मैं ये वो वैल्यू लिखा बी सी इज स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सिमिलरली फॉर ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे अभी ये डाटा जो है मेरा ए बी अभी अननोन है, तो यहाँ पे मैं ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूंगा, अगर ये मैं इक्वेशन ऊपर यूज करूँ तो ये क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। सिमिलरली क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, अब बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मैं इस डाटा को मैनिपुलेट करूँ तो लिख सकता हूँ क्या ए सी इज इक्वल टू के टाइम्स बी सी। ओके, या ऐसे लिख सकता हूँ के टाइम्स बी सी, तो ये इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन मैं यूज करता हूँ, तो अगर मैं लिख दिया तो यहाँ पे क्या हो गया बी सी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू के बी सी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा बी सी का होल स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो वन माइनस के स्क्वायर। सिमिलरली ए बी स्क्वायर इक्वल टू दिस वन आ गया। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर वन माइनस के स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं इन्फॉर्मेशन अगर लिखूं तो पी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यू आर रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू ये रूट है ना ए बी स्क्वायर, तो ये है ना स्क्वायरिंग है ना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर बी सी का होल स्क्वायर, तो यानी कि बी सी का स्क्वायरिंग है तो ए बी सी बाहर आ जाएगा और ये जो टर्म है वन माइनस के स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो बताओ ए बी और पी क्यू का इन्फॉर्मेशन मिल गया क्या, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा अभी ये जो इन्फॉर्मेशन मिला इसको मैं अब यूज करूंगा। तो देखो ये वैल्यू क्या मिला, तो यहाँ पे रेशियो अगर मैं लू ए बी अपॉन पी क्यू तो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर अपॉन क्यू आर रूट अंडर वन माइनस के स्क्वायर, तो ये कॉन्स्टेंट है तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या मेरा आएगा बी सी अपॉन क्यू आर। तो बताओ क्या आ गया वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, तो देखो ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गया, और पहले से इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ था ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, और एक इन्फॉर्मेशन क्या मिला ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ओके, अब देखो इन्फॉर्मेशन ये मिला तो इसको मैं इक्वेशन वन कर दू, इक्वेशन वन को मैं रीराइट अगर क्या लिख सकता हूँ ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, ये मैं राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लाया तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला गया और बी सी क्या होगा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या होगा बी सी अपॉन आर क्यू, तो ये इक्वेशन आपका वन हो गया। इक्वेशन वन को मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लाया फिर ये इक्वेशन मेरा टू आ गया। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ क्या, अब इस दोनों इक्वेशन को मैं जब कंपेयर किया तो यहां से मैं लिख सकता हूँ क्या ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू। क्या मैं इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा कि देखो ये बेसिकली बी सी अपॉन ये राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन वन का राइट हैंड साइड इक्वेशन टू के राइट हैंड साइड का इक्वल है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू या ए बी अपॉन पी आर, तो यानी कि ये टर्म ये जो लेफ्ट हैंड का टर्म है ये इक्वेशन वन का वो इक्वल एज इट इज इक्वेशन टू का इक्वल आया, तो मैं इन्फॉर्मेशन ये दोनों से एक्सट्रैक्ट करके एक थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या बनाया कुछ ऐसा बनाया, क्या बनाया ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये बेसिकली मेरे को क्या दिया रेशियो दिया, रेशियो मतलब क्या दिया ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर फिर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, तो इसका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ना, यानी कि साइड्स का रेशियो जब आपस में दो साइड्स का रेशियो आपस में
इक्वल्स होता है फॉर अ टू डिफरेंट ट्रायंगल्स, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि बेसिकली जो ट्रायंगल है एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब जो दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी। तो मेरे को यही ना इंफॉर्मेशन पूछा था एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड कॉमा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो यही इंफॉर्मेशन पूछा था ना, वो प्रूव करने के लिए दिया था क्वेश्चन में कि फाइंड एंड देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो हेंस इट इज प्रूव दैट कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। अब बात समझो, बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए मैंने एक इक्वेशन वन बनाया, एक डाटा बनाया, वहां से मैं कुछ कांस्टेंट के लिया, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं अननोन साइड्स का रेशियो निकाला। जब रेशियो निकाला तो वहां से एक मैं रेशियो जब निकाला तो कुछ दिखा रिलेशनशिप कि ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये इन्फॉर्मेशन जब मेरे को मिला तो यहाँ से मैं है ना कमेंट कर दिया कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुआ तो अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे फॉर अ सिमिलर ट्रायंगल, फॉर अ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसीलिए मैं प्रूव कर दिया यहाँ से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। मैं रब करता हूँ, अब आपका एग्जाम्पल थ्री लेता हूँ आपके टेक्स्ट बुक का। बस 20 मिनट होगा तो बंद कर दूंगा। अब एग्जाम्पल थ्री, तो एग्जाम्पल थ्री में क्या दिया हुआ है, कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल्ड एट इन विच ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल थ्री में दो पार्ट है क्वेश्चन से। फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड वन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कंसीडर ट्रायंगल एबीसी। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 90 डिग्री एट वर्टेक्स सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स एंड बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी दिस वैल्यू इज एंगल थीटा। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट पार्ट। इन सेकेंड पार्ट दे हैव आस्क्ड यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली क्या होगा, कॉस थीटा अगर ये वैल्यू पूछ रहा है तो कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से देखो आप कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस थीटा कौन सा लिया है
एट वर्टेक्स बी को लिया है थीटा, क्वेश्चन में गिवन है ऐसा कुछ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, दिस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड क्या है 21/29, तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या है बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर, ओके। फिर सिमिलरली मेरा साइन थीटा कितना हो जाएगा बताओ, एडजेसेंट एसी, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन अभी मेरे को एसी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो मैं क्या अभी करूंगा, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी विल फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। तो अभी बताओ ये वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एडी, लेकिन हमको अभी एसी अननोन है, तो एसी कैसे निकालेंगे, टू फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ एसी, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एसी वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या हम लोग लिखेंगे, बेसिकली एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज माइनस बीसी स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है तुम्हारा अपना 29 का होल स्क्वायर माइनस बीसी इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, तो 21/9 का होल स्क्वायर क्या होता है बेसिकली, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 29 + 21 × 29 - 21, तो ये बेसिकली क्या मैंने किया, ये तुम्हारा ये आपको देखो यहाँ पे क्या है 29² - 21², तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये कुछ ऐसा फॉर्मेट में है क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अगर ए प्लस बी है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 50 × 29 - 21, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 80, यानी कि ये वैल्यू हो गया 400, ठीक 50 × 8 बेसिकली 400, तो यहाँ से एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एसी स्क्वायर आपका आ गया 400, ओके। तो एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसी इक्वल टू रूट अंडर 400 दैट इज प्लस 20, तो एसी का वैल्यू कितना आ गया, एसी का कितना आ गया जो अननोन साइड था 20 आ गया, ठीक। तो अब मेरे को एक इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो अब मैं इसको यूज करके वैल्यू निकाल सकता हूँ साइन थीटा का क्या, तो बेसिकली साइन थीटा का वैल्यू कितना आया, साइन थीटा का वैल्यू आ गया मेरा एसी, एसी का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो 20 आया और एबी क्या है 29 है, तो यहां से मेरे को साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 20/29 का होल स्क्वायर, और वैल्यू पूछ रहा था क्या मेरे को, क्या पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का जब मैं वैल्यूज इस इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा क्या आंसर आएगा, देखो सॉल्व करो फर्दर, अगर मैं इसको फिर से सॉल्व करूं, इसको मैं फिर से सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, तो क्या आ जाएगा मेरा कॉस स्क्वायर थीटा क्या दिया हुआ है 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 20/29 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यही इन्फॉर्मेशन निकालना है ना, तो यहाँ से देखो मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या 29 का होल स्क्वायर, तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा 21² + 20², तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये देखो 21 का होल स्क्वायर क्या आता है 400 + 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 400/29 का होल स्क्वायर कितना होता है 841, तो ये इंफॉर्मेशन कितना हो गया 1/48/841, तो ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब इसको न्यूमरेटर को एडिशन किए तो ये क्या रिजल्टेंट दिया 841, और डिनोमिनेटर में भी क्या था 841, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है क्या, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होगा इक्वल टू 1 आ गया क्या, तो यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू कितना आया यूज करते हुए मेरे को कितना आया वैल्यू इक्वल टू 1 आया, यानी कि इसका वैल्यू फर्स्ट आंसर क्या आएगा क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया 1 आया।
अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बताओ अभी कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट किए थे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना था? 21/29 का होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आया था? 20/29 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या, अगर ये दोनों का वैल्यू अगर इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखूं, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या देगा मेरे को? 21/29 का होल स्क्वायर माइनस 20/29 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये बेसिकली 29 का होल स्क्वायर आएगा, और 21 का होल स्क्वायर कितना होता है? 441 माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 400, और 29 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? 841। अभी जस्ट प्रीवियस किए थे कैलकुलेशन, तो अब इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा? 41/841। अब देखो सिंप्लीफाई होता है क्या, तो मेरे को जहां तक लग रहा है सिंप्लीफाई तो नहीं होगा फर्दर। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल थर्ड का, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा मेरे को? क्या होगा? 41/841, यानी किसका आंसर हो गया? 41/841। ओके, तो यहां से एग्जांपल थ्री सॉल्व हो गया। अब मैं एग्जांपल फोर का क्वेश्चन लेता हूँ। देखो टोटल है ना अभी 5 एग्जांपल्स हैं आपके 10th बुक में, तो मैं जस्ट बेसिक्स ले रहा हूँ ताकि आपको ना आइडिया मिले कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जो पहली बार बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हो, व्हाट डज मीन बाय द ट्रिग्नोमेट्री, मैं थ्योरी सारा कवर कर चुका हूँ। उस थ्योरी का मैं यूज करके आप कुछ एग्जांपल्स आपका है बुक में, वो एग्जांपल्स मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो अभी एग्जांपल फोर हो गया। एग्जांपल फोर मेरा क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ टैन ए इक्वल्स टू, इफ टैन ए इक्वल्स टू 1, देन वेरीफाई दैट 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1। ओके, वेरीफाई करना है। देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि पहले एक डायग्राम बना ले क्या। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है मेरा? ए, और दिया हुआ है राइट एंगल एट बी सी, यानी ये कितना हो गया? एट वर्टेक्स बी एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। तो और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? टैन ए, गिवन डाटा क्या है मेरा? बेसिकली गिवन डाटा क्या है? टैन ए इक्वल्स टू 1, यानी कि क्या दिया हुआ है? टैन ए इक्वल्स टू 1, मतलब क्या बोल सकते हैं यहां से इंफॉर्मेशन क्या है? टैन ए इक्वल्स टू बेसिकली ए, दिस टैन ए दिया हुआ है ना, तो ये एंगल दिया हुआ है अपोजिट टू द दिस एंगल, यानी कि बीसी अपॉन ए बी दिया हुआ है और इक्वल्स टू 1 है। यहां से लिख सकता हूं क्या? बीसी इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक। यानी कि ये दोनों जो साइड्स है आपस में इक्वल है, ठीक। तो यहां से जब इक्वल है तो अब मैं क्या इंफॉर्मेशन और क्या निकाल सकता हूं कि साइन ए और कॉस ए वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली है ना, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस दोनों को यूज करते हुए मैं हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? तो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा क्या? मैं यूज क्यों कर रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि मेरे को अननोन जो साइड है एसी उसका एक रिलेशनशिप निकालना है गिवन अदर्स टू साइड्स का। तो मैं एक इंफॉर्मेशन क्या इक्वेशन वन में क्या निकाला? यूजिंग द टैन ए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे मैं क्या निकाला कि बीसी इज इक्वल टू ए बी। अब मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं हाइपोटेन्यूज का कुछ रिलेशनशिप निकालता हूं अदर्स टू साइड्स में। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब बताओ ए बी और बी सी दोनों इक्वल है ना, तो मैं लिख सकता हूँ क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी को भी एज इट इज ए बी लिख सकता हूँ क्या? ए बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो गया?
टू ए बी होल स्क्वायर। तो यहां से ए सी जो मेरा अननोन है वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर टू ए बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रूट अंडर टू ए बी। ओके, तो मेरा यानी कि ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर टू ए बी। ओके, अब देखो यहां पे जब ये इंफॉर्मेशन मिल गया तो मैं इसको है ना यूज करते हुए क्या अब मैं निकाल सकता हूं क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए और साइन बी। तो साइन ए बाई सीइंग द ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी, हम लोग बोल सकते हैं क्या साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां से अगर मैं देखूं तो क्या होगा, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो BC as it is होगा, तो BC is equal to AB में प्रूव किया हूं क्या, तो यहां पे लिख सकता हूं AB upon और AC अभी जस्ट कैलकुलेट किया था पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये क्या हो गया रूट अंडर टू AB। तो ये आपस में कैंसिल हुआ, ये क्या हो गया वन अपॉन रूट टू। अब फिर मैं cos A equal to क्या हो जाएगा बताओ वहां से, AB upon AC। तो ये बताओ AB तो as it is रहा और AC अभी मैं जस्ट कैलकुलेट किया था यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या हो गया टू रूट अंडर ए बी। तो ये क्या हो गया वन अपॉन रूट टू। तो इक्वेशन अब बताओ साइन ए और साइन कॉस बी का डाटा मिल गया क्या, तो ये दोनों को यूज करके मैं यही कैलकुलेट करना है ना, प्रूफ करना है ना, वेरीफाई करना है ना। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्व टू टू साइन ए इक्व टू, बेसिकली क्या हो गया इसको मैं यूज करूंगा क्या साइन ए और कॉस बी को इस इक्वेशन में। तो यहां से क्या हो गया टू साइन ए क्या हो गया मेरा वन अपॉन रूट टू, वैल्यू रखना बिल्कुल साइन ए और कॉस ए का, कॉस ए का साइन ए और कॉस ए का वैल्यू रखना, तो ये टू इंटू वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू कॉस ए का। तो ये क्या हो गया मेरा टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, क्या वैल्यू दे गया टू, और ये क्या हो गया टू इंटू टू कैंसिल होके वैल्यू आ गया वन। तो मेरा प्रूफ हो गया क्या टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्व टू वन। ओके ठीक है, फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।